अस्सलाम वालेकुम। सफ़र सनाके में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी होने वाली है मटन कीमा, और मटर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हमारे इंग्रेडिएंट रेडी कर रखे हैं। यहाँ पे ले रखा है मैंने एक प्याज, दो तेज पत्ते, कुछ काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, दो तीन छोटी इलायची और दो तीन लौंग। साथ ही में यहाँ पे मैंने ले रखा है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट सॉल्ट। यहाँ ले रखा है मैंने 5 प्याज का टेस्ट, सॉरी 3 प्याज का पेस्ट जो मीडियम साइज का है। साथ ही में मैंने लिया यहाँ 2 टमाटर का पेस्ट जो मीडियम साइज का है। यहाँ पे ले रखा है मैंने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ले रखा है। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे गरम मसाला, ये 1 चम्मच है, आधा चम्मच चाट मसाला है और धनिया पत्ती है, और मैंने हरी मिर्च इस तरह काट के ले लिया है। आप दही भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनली है। ये मटन का कीमा है, मैंने फैट के साथ इसे लिया है। यहाँ पे मैं 1 kg कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये हमने खुद स्टोर कर रखा है फ्रिज में। आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। ये मटर मैंने 300 ग्राम या 400 ग्राम मैंने इस तरह ये मटर ली है अंदाजे से। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 kg में आपको ज़्यादा या कम मटर चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑलिव ऑयल या देसी घी जो आप यूज़ करते हैं। इसमें अब हम प्याज और हमारे खड़े मसाले ऐड करेंगे। मैंने तेल को अच्छे तरीके से पका लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो थोड़ा सा तेल और प्याज है अच्छे से वो थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा कीमा। तो आइए चलिए फिर इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कीमा पानी छोड़ने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। तो आइए चलिए फिर डालते हैं। पहले इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम अच्छे से चला लेंगे, भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, यह पानी काफ़ी अच्छे छोड़ने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले। इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करेंगे, इसे अब चला लेंगे 4 से 5 मिनट, अच्छे से इसी पानी में भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए, मैंने इसे कुकर के ढक्कन से ढक लिया था। और ये देखिए अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भून रहा है। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट, वो हम एक साथ ही ऐड कर देंगे कि, और फिर इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पहले ऐड करें टमाटर का पेस्ट, यहाँ ऐड करें हम प्याज का पेस्ट, इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड कर लिया है। अब हमारा जो कीमा है वो इस तरह हो गया। इसमें अब हम 2 सीटी लगा लेंगे, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। अब इसमें हम 2 सीटी लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सीटी के बाद मैंने इसे 10 मिनट इसकी सीटी निकल गई है, तब मैंने इसको खोला है। अब मैंने इसे हाई फ्लेम पे इसे ऑन कर रखा है। इसे हम 5 मिनट भूनेंगे एक हल्का सा बॉईल आने पे, और उसके बाद इसमें हम मटर ऐड करेंगे। मटर और कीमा हम साथ में भूनेंगे कि जो हमारा मटर है वो भी अच्छे से भून जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं पूरे, और ये इस तरह मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं मटर। मटर डालने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट में उसे अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनूंगी कि हमारा कीमा और मटर दोनों अच्छे से भून जाए। तो आइए चलिए इसमें ऐड कर लेते हैं हमारे मटर। ये देखिए मैंने इसमें मटर ऐड कर लिया है। अब मैं इसे चला लूँगी, 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनूंगी इसको मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अभी 10 मिनट हुए हैं और हमारा पानी देखिए लगभग ऐसा हो गया। मैंने इसे कुकर के ढक्कन से ढक दिया था। अब मैं इसे और 10 मिनट इसी तरह भूनूंगी।
अब देख सकते हैं हमारे मटर भी धीरे धीरे कलर थोड़ा हल्का कर रहे हैं। मिलते हैं फिर से 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे 10 मिनट हो गए हैं और हमारा कीमा काफ़ी अच्छे तरीके से भुन गया है, सारा ऑयल हमारा ऊपर आ गया। आइए तो चलिए इसमें ऐड करते हैं हमारा मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, धनिया और साथ में चाट मसाला, इसे हम चला लेंगे। ये देखिए इसे मैंने डाल के चला लिया। अब इसमें ऐड करूँगी मैं पानी। पानी आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। ये थोड़ी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है। आप सूखा रखना चाहते हैं तो आप मटर अच्छे से इसमें गला लें। आइए चलिए पानी डाल लेते हैं। ये देखिए इसमें मैंने लगा ली है ग्रेवी। मैंने ज़्यादा नहीं दी है, रोटी के हिसाब से दी। आप रोटी चावल जैसा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले लें। आइए चलिए इसमें लगा लेते हैं हमारा ढक्कन। फिर 2 सीटी के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सालन बनके तैयार है। आइए चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनके तैयार है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे बनी है मेरी रेसिपी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंशाल्लाह ऐसे ही मैं आप सबके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और सफ़र सनाकों को सब्सक्राइब कर दीजिए।